थोड़ी देर में उत्तराखंड के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों का होगा ऐलान। इंडिया टीवी को पहले ही मिली लिस्ट। खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार से मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक। श्रीनगर से धन सिंह रावत के नाम पर लगी मोहर। बीजेपी की तरह के गणेश जोशी को मसूरी और प्रीतम सिंह पवार को धनौल्टी से मैदान में उतारेंगे। हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वरानंद मैदान में। सितारगंज से पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को टिकट। फिर चौबट्टा खाल से ही लड़ेंगे सतपाल महाराज। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को दी जानकारी। सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। सांकलिम क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे सीएम प्रमोद सावंत। गोवा के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मडगांव से लड़ेंगे चुनाव। गोवा में एनसीपी और शिवसेना मिलकर कुछ सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पंजाब में आपके सीएम का चेहरा घोषित। भगवंत मान संगरूर जिले के धुरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। अपर्णा यादव के बाद अखिलेश यादव के घर बीजेपी ने फिर लगाई सेंध। मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल। कांग्रेस ने यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 16 महिलाओं को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने साहिबाबाद से संगीता त्यागी को टिकट दिया। सयाना सीट से पूनम पंडित को मैदान में उतारा। कांग्रेस के बागी विधायक अदिति सिंह ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को लिखा खत। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा दिया। गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। हाल ही में अखिलेश से तालमेल को लेकर नहीं बनी थी बात। इंडिया टीवी के पास यूपी में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट। कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए असीम अरुण को मिल सकता है कन्नौज से टिकट। मुलायम के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट देने का फैसला। 13 जनवरी को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। आगरा की मेयर रह चुकी अंजुला माहौर को हाथरस से उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। दलित समाज से आती है अंजुला। कानपुर के महाराजपुर सीट से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना को फिर से टिकट मिलना पक्का। 7 बार के विधायक है महाना। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कानपुर मंडल की भी सभी 10 सीटों का हो चुका है फैसला। सीसामऊ से प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई को मिलेगा टिकट। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्या भी बीजेपी में शामिल हुई। विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से थी नाराज। यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा लगभग तय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अपना दल को मिल सकती है 15 सीटें। निषाद पार्टी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी चुनाव के सहयोगियों के साथ फोटो शेयर करके लिखा उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 के पार। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा हमारा गठबंधन विकास और सामाजिक न्याय का बेहतरीन कॉकटेल। उत्तर प्रदेश को दोनों की जरूरत। बीजेपी ने अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुक्ता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के विधायक और बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का विरोध। मुनव्वरपुर गांव में सैनी समाज के लोगों ने नहीं घुसने दिया। गांव में बिना दाखिल हुए वापस लौटे विक्रम सैनी। तस्वीरों में लोगों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। समर्थकों के साथ लाइव बातचीत में रो पड़े आजम खां के बेटे अब्दुल्ला। कहा ऐसी रातें भी आई लगा सुबह नहीं देख पाएंगे जेल में ही मारे जाएंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा सरकार नुकसान पहुंचाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेकसूरों पर अत्याचार होता है तो इनकलाब आता है। बीएसपी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को बनाया उम्मीदवार। बीएसपी ने गाजियाबाद से कृष्ण कुमार शुक्ला, मथुरा से सतीश शर्मा और बागपत से अरुण कसाना को टिकट दिया। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की तीसरी लिस्ट। 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। हस्तिनापुर से विनोद जाटव और रामनगर से विकास श्रीवास्तव को बनाया अपना उम्मीदवार। आज फिर 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पंजाब में चुनाव प्रचार की बनाएंगे रणनीति। केजरीवाल का सीएम चन्नी पर पलटवार। मोदी जी ने हमारे यहाँ छापे मरवाए थे सिर्फ 10 मफलर मिले आपने तो 111 दिन में कमाल कर दिया। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर किया पलटवार। कहा रेट को लेकर केजरीवाल बहुत खुश थे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर लगाया परेशान और बदनाम करने का आरोप। कहा सरकार चुनाव के समय ही करती है रेट। सीएम चन्नी की चुनाव आयोग से अपील निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं तो करें दखल दीजिए बदले की कार्रवाई हमें मंजूर नहीं। अमरिंदर का सीएम चन्नी पर पलटवार। कहा ना ईडी मुझे रिपोर्ट करती है और ना ही मैंने आपके रिश्तेदारों के यहाँ जब्त पैसे रखे। चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी और राज्यवाल की संयुक्त समाज मोर्चा के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी। चढ़ूनी की पार्टी 10 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चढ़ूनी ने कहा लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बाकी सीट पर संयुक्त समाज मोर्चा उतारेगी उम्मीदवार। पंजाब में चुनाव लड़ रही संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। टिकट बेचने का आरोप लगा। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के बयान से एक सनसनी मची। सहनी ने कहा तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई खुद को लालू यादव को मानने वाला बताया। महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर बोले नवाब मलिक हार से बौखला गई बीजेपी इसलिए चुनाव आयोग पर पक्षपात और गड़बड़ी का लगा रही आरोप।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन का परीक्षण, ओडिशा के बालासोर तट से किया गया परीक्षण। अरुणाचल प्रदेश के सांसद का दावा, कहा चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर आकर एक शख्स को अगवा किया। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के विधायक ने कहा अरुणाचल में चीन की घुसपैठ जारी, पीएलए के जवान पिछले साल भी हमारी सीमा में घुसे थे। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक का पता लगाने में जुटी भारतीय सेना, पीएलए से संपर्क किया, रक्षा सूत्रों का दावा, प्रोटोकॉल के मुताबिक युवक की वापसी के लिए सहायता मांगी गई। चीनी सैनिकों के भारतीय नागरिकों के अगवा करने के बहाने राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम की बुजदिली चुप्पी ही उनका बयान, पीएम को फर्क नहीं पड़ता। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक पर बोले सचिन पायलट, सरकार को देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब, हम सरकार का साथ देंगे लेकिन चुप रहना विकल्प नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी, ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पीएम का संबोधन, कहा सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है देश, विश्व में एक अलग पहचान बना रहा है भारत। पीएम मोदी ने कहा 75 सालों में अधिकार की बात हुई, कर्तव्यों की नहीं, कर्तव्य की भावना का होना चाहिए विस्तार। पीएम मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने की हो रही कोशिश, भारत के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब देने के लिए कहा। पीएम मोदी बोले अमृतकाल का ये समय संकल्प पूरे करने का है, सैकड़ों वर्ष की गुलामी में जो गवाया उसे 25 सालों में हासिल करना है। पीएम मोदी ने देश की संस्कृति और सभ्यता को जीवंत रखने पर जोर दिया, कहा दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं। पीएम मोदी ने शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल से फोन पर की बात, बादल की सेहत का को लेकर जाना हाल, कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं बादल। पीएम मोदी आज मॉरिशस के सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन, भारत की मदद से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म परियोजना का भी होगा शुभारंभ, पीएम मोदी और वहां के पीएमपी जगन्नाथ संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। यूपी के बलिया से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, वैक्सीन लगाने पहुंची टीम पर घाघरा नदी के किनारे कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बलिया के ही रेवती इलाके में वैक्सीनेशन लगाने पहुंची टीम को देखकर पेड़ पर चढ़ा ग्रामीण, लोगों ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। दिल्ली में कुछ दिनों की राहत के बाद फिर से छाया कोहरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रही, उड़ानों पर पड़ा असर। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों पर भी असर पड़ा, न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है, पटना में सर्दी का सितम जारी है, शहर में घने कोहरे और ठंड का सामना कर रहे हैं लोग। गोरखपुर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी, कई ट्रेन चल रही है घंटों लेट। करगिल युद्ध के हीरो विक्रम बत्रा की हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में लगाई गई प्रतिमा, बत्रा के माता पिता भी अनावरण के मौके पर मौजूद थे। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू के दौरान बैल पर डंडों से हमला करना पड़ा महंगा, पुलिस ने केस दर्ज कर शख्स को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के पी अम्बालागन के 57 ठिकानों पर रेड, डीवीएससी के अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की। देश में करीब 9 महीने बाद कोरोना केस 3 लाख के पार हुए, एक दिन में 3,17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 491 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में कोरोना केस में 12% का इजाफा, पॉजिटिविटी रेट 15.13% से बढ़कर 16.41 हुआ। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने भारत की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रेगुलर इस्तेमाल की सिफारिश की, अभी तक इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली है मंजूरी। मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, 1500 रुपए में कोरोना वैक्सीन का फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा था एक गिरोह, 2 आरोपी पकड़े गए। नागपुर में 72 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अब तक कुल 372 पुलिसकर्मियों को हुआ है कोरोना। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,697 नए केस मिले, एक दिन पहले की तुलना में बढ़े 10% केस, 49 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 214 नए केसों का पता चला, राज्य में इस वेरिएंट के अब तक 1,860 मामले आए सामने। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 6,032 नए मामले मिले, 12 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, नागपुर में 3,296 नए केस मिले। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 12 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कुल 1,246 पुलिसकर्मी अस्पताल में है भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में 12,633 नए केस मिले, 12 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की, राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा की। यूपी में कोरोना के 17,500 से ज्यादा नए केस सामने आए, राज्य में 98,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना के 13,785 नए मामले, एक दिन में 35 मरीजों ने जान गंवाई। मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में 84 आईएएस ट्रेनीज कोरोना पॉजिटिव हुए, सभी को आइसोलेट किया गया। हरिद्वार नगर निगम के 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, सभी की हालत स्थिर।
बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 11,447 लोग पॉजिटिव पाए गए, 15,418 लोग रिकवर हुए। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 40,499 लोग संक्रमित, सिर्फ बेंगलुरु में 24,135 केसेस मिले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 34,199 लोग पॉजिटिव मिले, 49 मरीजों की जान गई। केरल में ओमिक्रॉन के 54 नए केस मिले, प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 645। तमिलनाडु में 24 घंटे में 26,981 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 35 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 20,966 मामले सामने आए, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 8,529 लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,057 नए केस मिले, सूबे में 44,935 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में कोरोना से 24 घंटे में 12 लोगों ने दम तोड़ा, 13,398 नए केस। हरियाणा में कोरोना से 8,847 लोग पाए गए पॉजिटिव, 12 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में और 7,597 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, राज्य में 5 और लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 5,818 नए केस मिले, 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। बिहार में कोरोना केस में कमी दर्ज की गई, 4,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित, 11 लोगों ने जान गंवाई। झारखंड में 2,617 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, 12 लोगों की जान गई, राज्य में एक्टिव केस 27,000 से ज्यादा है। ब्रिटेन में अगले गुरुवार से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम होंगे खत्म, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों के पीक पर पहुंचने से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण के बाद बाकी के प्रतिबंध हटाने पर फैसला होगा, अब वर्क फ्रॉम होम भी अनिवार्य नहीं रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में ओमिक्रॉन की रफ्तार में आ रही कमी, पिछले सप्ताह 1,80,00,000 केस दर्ज किए गए। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में मकान के अंदर संदिग्ध हालत में मृत पाई गई महिला और उसके बच्चे, अंदर जल रही अंगीठी के गैस से मौत की आशंका। महिला के भाई ने महिला के पति पर जताया शक, कहा जब घर के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हुई तो कैसे बची पति की जान। ठाणे में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और स्टंट करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। अरुणाचल प्रदेश में सड़क हादसा, टूटिंग में खाई में गिरा ट्रक, भारतीय सेना ने 2 लोगों को रेस्क्यू किया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर देवदूत बना टीसी, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसल गए एक यात्री की बचाई जान। कोयम्बटूर में रिहायशी इलाके में फंसा तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़ने के लिए लगाई सीसीटीवी। हरियाणा के सोनीपत में यूरिया की कमी, गोहाना में खाद केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतार। यूरिया की कमी से परेशान होकर किसानों ने लगाया लंबा जाम, आला अफसरों ने की किसानों से बात। काजीरंगा नेशनल पार्क में साल 2018 के मुकाबले कम हुई हिरणों की तादाद, नेशनल पार्क में कुल 868 हिरण रह गए। काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई पक्षियों की गिनती, 126 प्रजाति के 66,000 से ज्यादा पक्षी मौजूद। श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ मशाल जुलूस, बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल हुए। उड़ीसा के संबलपुर को भिखारी मुक्त बनाने की पहल, आईआईसी कॉम्प्लेक्स में किया गया 47 भिखारियों का पुनर्वास। बिहार के गया में बच्चों के को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं अनुराग बसु, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को पकड़ने में की थी पुलिस की मदद। कोरोना पाबंदियों के चलते राजस्थान में वेडिंग प्लानिंग का काम करने वालों को नुकसान, लोगों ने उठाए सवाल, कहा राजनीतिक रैलियों में लोगों को आने की अनुमति, फिर शादी में रोक क्यों। हैदराबाद की कोटी वुमेन्स कॉलेज बनी तेलंगाना की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी, 100 साल पुराना ये कॉलेज है। कश्मीर के बडगाम में विंटर स्पोर्ट्स की शुरुआत, पहले दिन स्कीइंग से लोकल के अलावा टूरिस्ट ने भी मजा लिया। बर्फ में जवानों का वॉलीबॉल खेलने का वीडियो वायरल हुआ, उत्तरी कश्मीर में LOC के पास का बताया जा रहा है वीडियो। कश्मीर के डोडा में सेना महिला सशक्तिकरण में जुटी, महिलाओं को दी जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग। कानपुर में असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, तमंचे और हथियार बनाने के औजार भी बरामद हुए। कानपुर में पकड़ा गया नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोपी, मुठभेड़ में घायल हुआ इंस्पेक्टर। अयोध्या में चोरी के 60 मोबाइल फोन बरामद हुए, मालिकों को लौटाए गए फोन। गुरुग्राम में जबरन गाड़ी में बैठाकर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे आरोपी का भी की तलाश जारी, मिली जानकारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में BSF को बड़ी कामयाबी मिली, बांग्लादेश बॉर्डर से 6 किलो चांदी बरामद हुई। तस्करी के लिए साइकिल का किया गया इस्तेमाल, टायर में छिपाकर रखी गई थी चांदी। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में मिले हथियार, ठिकाने लगाने के लिए जमीन में गाड़ दिए गए थे। वडोदरा के सोखड़ा स्वामी नारायण मंदिर के 7 संतों को गिरफ्तारी के बाद मिली बेल, एक लड़के से मारपीट का आरोप। मंदिर में काम करने वाले सेवक पर लगा था महिला श्रद्धालुओं का वीडियो बनाने का आरोप, पता लगने के बाद संतों ने की थी मारपीट। अमेरिका में काबुल में ड्रोन हमले का वीडियो पहली बार किया जारी, हमले में 10 बेकसूर लोगों की हुई थी मौत। अमेरिकी सेना ने 2 MQ-9 रीपर ड्रोन ने रिहायशी इलाके में की थी बमबारी, तस्वीरों में साफ तौर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के फैसले का किया बचाव, कहा तालिबान ने सत्ता संभालने के बाद वहां जो हो रहा है उसके लिए क्यों मांगू माफी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, महंगाई और महामारी को बताया साल 2022 का मूल एजेंडा, कहा लोगों की सोच से बेहतर काम कर रहा है।
अमेरिका में 5G सेवाओं का खौफ, कई एयरलाइंस ने फ्लाइट पर रोक लगाई। AT&T और वेरिजोन ने एयरपोर्ट के पास वाले इलाके में 5G सेवा का काम रोका। 5G से एयरलाइंस कंपनियों को अपने उपकरण पर असर पड़ने का डर है। 5G में सी बैंड का इस्तेमाल होता है। प्लेन की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर्स में इसी बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में 5G के कारण कल एयर इंडिया ने रद्द की 8 फ्लाइट्स। विवाद सुलझाने के बाद अब आज से शुरू होगा ऑपरेशन। बाइडेन को नहीं लगता रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ेंगे, अगर हमला किया तो नतीजे भुगतने की धमकी दी। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ाई सैनिकों की संख्या, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। टोंगा के ज्वालामुखी फटने से हुआ भारी नुकसान, कई घर हुए तबाह। यूएन के मुताबिक ज्वालामुखी फटने से टोंगा की 80% आबादी को नुकसान हुआ। टर्की में तेल पाइपलाइन में लगी आग बुझाई गई, कोई हताहत नहीं। इराक से टर्की तक बिछाई गई है पाइपलाइन, शुरुआती जांच में पता लगा पाइपलाइन पर बिजली का खंभा गिरने से आग लग गई। ग्रीस को फ्रांस से मिले 6 राफेल फाइटर जेट, 2.8 बिलियन डॉलर में हुई है कुल 18 राफेल की डील। बजट से पहले वित्त मंत्रालय का निर्देश, अपने खर्चों में कटौती करें सभी मंत्रालय। आम बजट में ई पंचायत को मजबूत करने पर होगा जोर, ग्रामीण आबादी की बेहतरी है सरकार की प्राथमिकता। SBI को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। IREDA में 1500 करोड़ लगाने को भी मिली मंजूरी। इंडियन ऑयल को IGX की 4.93% हिस्सेदारी बेचेगी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत में गैस मार्केट को बढ़ावा देने के लिए अच्छा संकेत। कोरोना की तीसरी लहर के चलते घटी पेट्रोल और डीजल की खपत, LPG की बिक्री बढ़ी। मार्च से पहले नहीं शुरू होगी रेगुलर इंटरनेशनल उड़ान, DGCA ने जारी किया नया सर्कुलर। साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में भारत को 31 रनों से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। टीम इंडिया की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए, साथ ही विराट कोहली ने 51 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 297 रनों का लक्ष्य दिया था, भारत की टीम 8 विकेट पर 265 रन ही बना सकी। कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, विदेशी धरती पर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल करने पर उठे सवाल, महज 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन, गेंदबाजी का नहीं मिला मौका। अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रही टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, कप्तान यश ढल भी संक्रमित। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को 174 रनों से हराया, भारत ने जीत के लिए 308 रनों का लक्ष्य दिया था। आयरलैंड की पूरी टीम 39 ओवर में 133 रन बनाकर आउट हुई, भारत की तरफ से अंशवर गौतम, कौशल तांबे और गर्व सांगवान ने 2-2 विकेट चटके। वर्ल्ड कप में भारत ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, टीम इंडिया की तरफ से हरनूर सिंह ने 88, अंगरीश रघुवंशी ने 79 रनों की पारी खेली। इंदौर में फिल्म की शूटिंग के बीच क्रिकेट खेलने पहुंचे विक्की कौशल, लगाया शॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। OTT पर रिलीज हो सकती है रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा, कोरोना के चलते मेकर्स ने बदला अपना प्लान। KGF 2 के बाद कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आएंगे संजय दत्त और रवीना टंडन, मेकर्स फरवरी में कर सकते हैं ऐलान। KGF की सक्सेस के बाद दोगुनी हुई यश की फीस, KGF 2 के लिए चार्ज किए 30 करोड़, संजय दत्त ने लिए 9 करोड़। अपने ड्राइवर के निधन के बाद वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना दुख, लिखा 26 सालों का था साथ। अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा समेत कई सेलिब्रिटीज ने की वैक्सीन लगवाने की अपील, यूनिसेफ ने जारी किया म्यूजिक वीडियो। MX प्लेयर पर रिलीज हुई मोहित रैना की वेब सीरीज भोकाल 2, SSP सिकेरा के रोल में आए नजर। नागिन 6 का प्रोमो रिलीज हुआ, यूजर्स ने किया ट्रोल, कहा अब बदला लेने चीन जाएगी नागिन। 3 अप्रैल को होगा ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन, पहली बार लास वेगास में होगा इवेंट। POK के एक नागरिक ने PM मोदी से की मदद की अपील, वायरल वीडियो में कहा पाकिस्तानी पुलिस जुल्म ढा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्यकर्मी से मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में पकड़े जाने के डर से कैदी ने निगल लिया मोबाइल फोन, एक्सरे में पेट में मोबाइल फोन दिख रहा है। कनाडा में नदी में कार डूबने लगी तो महिला ने छत पर खड़े होकर ली सेल्फी, आसपास के लोगों ने महिला को बचाया। गोवा में BJP की इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।